हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एविड एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि हम चैप्टर 1 अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं डेवलपमेंट का, इसकी यूट्यूब चैनल पर लिंक अवेलेबल है, आप इसको अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 2 जो है इसी को बेस्ड है। अगर आपने चैप्टर 1 अच्छे से समझ लिया तो आपको चैप्टर 2 ईजिली समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, यानी मनी टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऑल ओवर एक कंट्री की जब मनी को काउंट किया जाता है तब उसकी इकोनॉमी बनती है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सेक्टर्स यानी अलग अलग सेक्टर्स में हमको जो है अलग अलग तरीके से जो एक्टिविटीज होती हैं वहां से हमें मनी को रिसीव करते हैं और वो हमारे इकोनॉमी में काउंट होते हैं। कैसे? जैसे पीपल जो है अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई प्रोड्यूस का काम कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, कोई कोई सर्विस दे रहा है, तो हमारे सराउंडिंग जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं और जब वो उनसे हमें कोई इनकम मिलती है तो उन इनकम को हम इकोनॉमी में काउंट करते हैं। और ये जो अलग अलग एक्टिविटीज जिन सेक्टर्स में हो रही हैं इन्हीं को ही कहते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये जो सेक्टर्स ही हैं ये काउंट होते हैं। अब ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे हमें जो है इनकम जो है मिलती है? अलग अलग पीपल अलग अलग तरीके से जो है अपनी अपनी फील्ड में काम करते हैं, तो हम यहां देखेंगे कौन कौन से सेक्टर्स हैं। लेट्स सी, जो क्लासिफिकेशन किया गया है सेक्टर्स का वो 3 पार्ट्स में किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड है टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर्स में जो आता है वो हमारे प्रोड्यूस्ड जो हमारे फील्ड फार्मिंग जो है वो आती है। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं फार्मिंग से रिलेटेड, जैसे हमारे जो रॉ चीज़ें होती हैं, जैसे गेहूं हो गया, जैसे राइस हो गया, जैसे मिल्क की चीज़ें हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें जो आती हैं हमारी प्राइमरी में आती हैं। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं। सेकेंडरी में आता है कि उसी से कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर ली, जैसे मान लो वीट है, वीट से हमने फ्लोर बना लिया, मिल्क से हमने बटर बना लिया, तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट आता है ना। वुड काटा हमने, लकड़ी काटी जंगल से, तो ये रॉ हो गया और फिर हमने उसकी चेयर्स बना दी, है ना। जो भी चीजें हमें रॉ मिल रही हैं और फिर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको हम सेकेंडरी पार्ट में काउंट करते हैं। थर्ड हमारा है टर्शरी। टर्शरी में क्या आता है? टर्शरी में हमारा आता है ट्रांसपोर्ट। भाई हमने वीट तो बना लिया, ठीक है, हमने वीट उगा लिया, वीट से हमने फ्लोर भी बना लिया, अब ये सारा जो प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो ये हम कहीं और डिलीवर करेंगे ना, हम यहाँ अपने पास रखेंगे थोड़ी ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट। तो जो ये सर्विसेज होती हैं, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की जो सर्विसेज होती हैं, ये आपके काउंट होती हैं टर्शरी में। तो आपकी हो गई ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, और भी जो जैसे चीजें होती हैं, जैसे छोटी छोटी चीजें हमारी, रोड्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये हमारी टर्शरी में आती है। यानी सर्विस सेक्टर जितना भी है हमारा, जितनी भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो हमारे टर्शरी में काउंट होती हैं। अब हम इनको काउंट कैसे करेंगे? भाई हमको पता चल गया कि 3 तरह के फील्ड हैं जिसमें हमारी सारी चीजें हमारे को इनकम मिलती हैं, बट हम इसको काउंट करेंगे। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना कितना रेवेन्यू आया, ये हम काउंट करें कैसे करेंगे? तो आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक वीट का दिया हुआ है। वीट हमने उगाया, ठीक है, गेहूं उगा लिया, गेहूं को हमने सेकेंडरी पार्ट में डाल दिया, हमने फ्लोर बना लिया। फ्लोर को हम क्या करेंगे? मेकिंग विद देम बिस्किट्स, कुछ और बना लेंगे। भाई हमने फ्लोर से बनाना है, कुछ बिस्किट्स बनाने हैं या और कुछ बनाना है। इट मेक्स सेंस ओनली इन इंक्लूडेड द फाइनल गुड्स, यानी ये फाइनल गुड है। हम इसको काउंट कैसे करते हैं? फाइनल गुड में काउंट करते हैं, जो हमारे पास लास्ट में जो सर्विस के लिए बचता है। कि हम किसी को जाकर बिस्किट देंगे, कोई घोल तो देंगे नहीं कि भाई ये बैटर है, ये आप जाके यूज कर लीजिए। हमने बिस्किट बनाया, बिस्किट बनाने के बाद हम उसको जब सर्विस में, लास्ट जो हमारा स्टेप होता है सर्विस में, हम जब उसको प्रोवाइड कराते हैं तो वो चीज हमारी काउंट होती है फाइनल गुड में, उससे हमारा जो है इनकम आती है। इट मेक्स सेंस ओनली इन इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बिस्किट आर द फाइनल गुड्स, ये फाइनल गुड्स है, गुड्स दैट रीच इन कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। तो हम इकोनॉमिक्स में कौन सी चीज काउंट करते हैं? फाइनल गुड्स की, जो फाइनल गुड्स से जो हमारे पास इनकम आ रही है वो हम काउंट करते हैं।
The value of final goods already included the value of all the intermediate goods. जो intermediate goods कौन से थे? हमारा wheat था, हमारा flour था. उनकी सारी value उस final good में already ही counted है. है ना? Wheat की अलग लगाएंगे counting हम, flour की अलग लगाएंगे, फिर biscuit की अलग लगाएंगे. ऐसे तो होगा नहीं. जब हम biscuit लेने जाते हैं तो हम सिर्फ biscuit का ही पैसा pay करते हैं. ऐसे थोड़ी ना दुकानदार हमको बोलता है कि भाई गेहूं का भी पैसा दे दो, फ्लोर का भी दे दो और देन बिस्किट का दे दो. नहीं, हम फाइनल गुड का पैसा देते हैं. जो हमारे पास बिस्किट है हम बिस्किट का ही पैसा देते हैं. तो इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स लाइक फर्स्ट एज व्हीट, देन एज फ्लोर एंड देन फाइनल एज बिस्किट. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब हम देखेंगे कि जो हमारे ये फाइनल गुड्स हमने कंज्यूमर तक पहुंचाया ये हमारा जीडीपी में कैसे काउंट होता है. जीडीपी यानी क्या होता है? जीडीपी यानी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये जो जीडीपी होता है यही हमारी इकोनॉमी के बारे में बताता है कि हम डेवलप्ड हैं कि अंडर डेवलपमेंट है. ये जीडीपी के पीछे ही तो सारी रेस होती है ना कि इस देश की इतनी जीडीपी है, अमेरिका की इतनी जीडीपी है और हमारा कंट्री क्या है. हमारा कंट्री भी अब जीडीपी को बढ़ाने की रेस में आ गया है कि हमें जीडीपी बढ़ानी है, जीडीपी बढ़ानी है. तो जीडीपी काउंट कैसे होती है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. एक पूरे ईयर में जितनी भी हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका हम पूरा प्रोडक्शन काउंट करते हैं एंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर. जितने जितने भी हमारे सेक्टर हैं, जैसे प्राइमरी है तो प्राइमरी में काउंट कर लिया, है ना, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी से काउंट कर लिया, टर्शरी है तो टर्शरी से काउंट कर लिया. जितने भी हमारे सेक्टर हैं ऑल ओवर एक पीरियड में, एक ईयर में हमने उसको काउंट कर लिया एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोडक्ट लाइक जीडीपी. इसको हम जीडीपी बोलते हैं और तीनों सेक्टर का हम उसमें काउंट करते हैं. जीडीपी ऑफ अ कंट्री इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विथ इन अ कंट्री ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर. जीडीपी शोज एज बिग द इकोनॉमिक इज. यानी हमारी जितनी भी जीडीपी ज्यादा होगी हमारी इकोनॉमी जो है उतनी ही स्ट्रांग है, यानी उतने ही हम ज्यादा डेवलप्ड है. ये शो करता है उसको. फ्रेंड्स हमने देखा कि जीडीपी, अब जीडीपी को काउंट कौन करता है? जीडीपी को काउंट करता है द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री होती है वो जीडीपी को काउंट करती है. कैसे? विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जितने भी हमारे स्टेट हैं, उन सब सेक्टर्स के हेल्प से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है वो जीडीपी को काउंट करती है. Collect information relating to the total value of goods and services and their prices and then estimate the GDP. तब हमारा जो है GDP जाके estimate होता है जब हमको सारे sector से हमारी prices मिल जाती हैं, उसके बाद हमारा GDP estimate होता है. अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हिस्ट्रिकल चेंज कैसे हुए इन सेक्टर्स में. आपने देखा कि 1950 के बाद हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था, यानी जो हमारा एग्रीकल्चर फार्मिंग सेक्टर जो था, उसमें बहुत बड़े रेवोल्यूशंस आए. जैसे ग्रीन रेवोल्यूशंस आया, मिल्क रेवोल्यूशन आया, है ना. ये हमने क्यों किया था? क्योंकि उस समय जो हमारी कंट्री की जो स्टेज थी वो बहुत अच्छी नहीं थी. चारों तरफ भूख थी, लोग बीमार थे, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी था. तो हमने क्या किया, हमने कुछ जो है मेथड्स चेंज किए, हमने कुछ चीजों को चेंज किया उन सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए, ताकि हमारा जो कंट्री है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन सके. तो हमने क्या किया, एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज, हमने फार्मिंग में चेंजेस किए. एग्रीकल्चर सेक्टर्स बिगेन द प्रॉस्पर. उस ग्रीन रेवोल्यूशन से, मिल्क रेवोल्यूशन से हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हुआ. इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर. पहले के अकॉर्डिंग बाद में जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उससे हमारे काफी जो है प्रॉस्पेरिटी आई और फूड भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो गया. मैनी पीपल कुड नॉट टेक अप अदर एक्टिविटीज, और कुछ पीपल जो है और दूसरी एक्टिविटीज करने लगे. देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेड्स. कुछ जो है ट्रेड्स में चले गए, कुछ जो है क्राफ्ट में चले गए. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मेनी टाइम्स बिसाइड्स दे वर एज ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एक्सेट्रा. भाई हमने जो ये मेथड्स चेंज किए फार्मिंग में और प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, आपने देखा 1950 से लेकर 1950 से लेकर 70 तक हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ.
फिर हमारा 70 से लेकर 19 तक हमारा इंडस्ट्रियल जो है रेवोल्यूशन हुआ, 19 से लेकर 2010 तक आपने देखा हमारा इलेक्ट्रॉनिक यानी हम जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ज्यादा हमारी स्पेंड हुई, हमने टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन किया, फोन आए लोगों के पास, कनेक्टिविटी ज्यादा हुई, पहले फोन भी नहीं हुए थे 90s तक, तो लोगों के पास फोन भी नहीं होते थे और ये स्मार्टफोन मोबाइल्स ये तो बिल्कुल भी नहीं होते थे, वो कीपैड वाले छोटे फोन होते थे। लेकिन हमने देखा 90s के बाद हमने कनेक्टिविटी पे ज्यादा जोर दिया और हमने मोबाइल्स जैसे कि मैं बताऊं रिलायंस ने सबको हाथ में फोन दे दिया, है ना, स्मार्टफोन नहीं था लेकिन धीरे धीरे वो स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो गया, आज स्मार्टफोन सबके पास है, कनेक्टिविटी इतनी फास्ट है कि हम कहीं भी बैठ के कहीं से भी बात कर सकते हैं, तो हमने इस पे ज्यादा जोर दिया। पहले हमने प्राइमरी को बढ़ाया, फिर हमने सेकेंडरी को बढ़ाया और फिर हमारा क्या हुआ टर्शरी सेक्टर बढ़ा। आज हमारा कौन सा रेवोल्यूशन चल रहा है, डिजिटल चल रहा है ना, अब और भी ज्यादा डिजिटल चीजें आएंगी, है ना। तो जैसे जैसे हमने इनमें चेंजेस किए हमारी फार्मिंग में भी प्रॉस्पेरिटी आई और भी चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आई। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज के इंक्रीज होने के अलावा हमारे ट्रांसपोर्ट भी बढ़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट्स भी बढ़े हैं और आर्मी भी बढ़ी है, और ये बढ़ेंगी तभी हमारा टर्शरी सेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमें इनकम मिलती है, जो हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है वो टर्शरी सेक्टर से ही मिलता है, प्राइमरी से इतना नहीं मिलता है। जितनी ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड होंगी उतनी ज्यादा ही हमारी इकोनॉमी जो है बिग से बिग बनेगी, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, हमने जितना डेवलपमेंट करना था प्राइमरी में, हमको जितनी फार्मिंग ग्रो करनी थी हमने कर ली है, अब हम लैंड को ज्यादा और नहीं कर सकते, जितनी हमारे पास हो रही है वो हमारे बेस्ट है, लेकिन हम सर्विसेज सेक्टर्स को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा हम के बनाए, ज्यादा से ज्यादा हमारी जो जिन एरियाज में हमारी रीचिंग नहीं है वहां तक हमारी रीच बढ़ेगी, तो हमारी टर्शरी सेक्टर बढ़ेगा जिससे हमारे कंट्री में जो है इनकम ज्यादा बढ़ेगी। तो हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द गुड प्रोडक्शन फॉर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड द मोस्ट पीपल वर आल्सो एम्प्लॉयड इन द दिस सेक्टर। भाई प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे जो है, हमारा देश वैसे भी जो है फार्मिंग कंट्री कहलाया जाता है ना, यहाँ पे ज्यादातर बोलते हैं ये किसानी देश है, तो प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे पीपल जो है एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक चीज और भी है कि भाई एम्प्लॉयड तो है लेकिन फिर भी हमारे जो कंट्री की जीडीपी बढ़ क्यों नहीं रही है। भाई हम कहते हैं कि हमारा 70% जो इंडिया है वो फार्मिंग पर ही डिपेंड है, यानी 70% अगर डिपेंड है तो फिर 70% तो एम्प्लॉयड वहीं से ही होना चाहिए, फिर वहां से इनकम ज्यादा आनी चाहिए ना, फिर कम क्यों आ रही है हमारी। ये एनालिसिस हमारे चैप्टर में एनसीईआरटी में बहुत सारे दे रखे हैं, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन। भाई प्राइमरी जो है वो तो फिक्स है, हमने जितना उसको ग्रो करना था जितना हमने उसको बढ़ाना था बढ़ा लिया है, लेकिन अब जैसे मैंने आपको बोला कि जिन एरियाज में हमारी रीचिंग नहीं है वहां तक अगर हमारी सर्विसेज जाती हैं तो हमारा टर्शरी सेक्टर जो है बढ़ेगा, और टर्शरी सेक्टर बढ़ेगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। अब टर्शरी को बढ़ाने के साथ साथ Over the 40 years between 73 to 74 and 13 to 40, while production in all the three sectors has increased, सब जगह बढ़ा, तीनों सेक्टर में बढ़ा है, है ना? It has the increase the most of the tertiary sector, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो किस में बढ़ा, tertiary में ही बढ़ा। As the result in the year 13-14, the tertiary sector has the most at the largest production sector. भाई 13-14 year में हमारा जो largest production year कौन सा था? कौन सा था? कौन सा sector था? हमारा tertiary sector था। In India, replacing the primary sector. इसको हम थोड़ा एक analysis से समझेंगे। Why is the टर्शरी सेक्टर बिकम सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया? देयर कुड बी सेवरल रीजन। भाई टर्शरी सेक्टर जो है हमारा इंडिया में क्यों बढ़ा, और इसके बहुत सारे रीजन हैं। ये देखो एक एनालिसिस आपके दिया हुआ है, ये हमारा जो है ब्लू कलर का ये हमारा है प्राइमरी सेक्टर, है ना, और ये हमारा रेड जो है ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, और थर्ड जो है हमारा टर्शरी है। जब हम 73 और 74 में देखते हैं उस समय ज्यादातर फार्मिंग ही होती थी, लोगों के पास और कोई दूसरे ऑक्यूपेशंस नहीं होते थे, जो भी था किसानी देश था तो सब लोग क्या करते थे, खेती करते थे। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जब 73-74 था तब हमारे पास प्राइमरी से अच्छा रेवेन्यू आ रहा था, टर्शरी से थोड़ा कम आ रहा था,
और सेकेंडरी से भी ठीक ठाक आ रहा था। बट अगर हम 13 और 14 में देखें, चूंकि हम किसानी देश बोलते हैं, ज्यादातर लोग खेती भी कर रहे हैं, 70% जो है हमारा इंडिया जो है फार्मिंग कंट्री कहलाता है, तो फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि प्राइमरी से हमारे पास कितनी इनकम आ रही है, बहुत कम, और टर्शरी से कितनी आ रही है, बहुत ज्यादा। भाई अगर प्राइमरी में सब लोग खेती कर रहे हैं और सब फार्मिंग कर रहे हैं तो फिर इनकम यहाँ से ज्यादा आनी चाहिए ना, बट हम कहाँ देख रहे हैं, टर्शरी में, टर्शरी में सबसे ज्यादा इनकम आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको टर्शरी सेक्टर को ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर प्रोडक्शन के बाद जितनी ज्यादा सर्विसेज होती हैं वहां से ही इनकम आ जाती है। जो फाइनल गुड्स जब तक कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचता तब तक हमारे पास इनकम नहीं आती है। तो फ्रेंड्स लास्ट हम कुछ इयर्स में देखें तो हमारा टर्शरी सेक्टर जो है और ज्यादा एक्सपेंड हुआ है। इसका मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये मैं आपको खुद बता रही हूँ। हमें आजकल कौन सी सर्विसेज मिल रही है, जोमेटो की, स्विगी की। पहले टाइम पे था ये हमारे जोमेटो और स्विगी, नहीं था, क्यों? क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था। आज सबके पास मोबाइल है ना, तो आप जोमेटो से क्या करते हैं, फटाफट कुछ भी आपको ऑर्डर करना होता है आप ऑर्डर करते हैं और वो आपके घर तक आता है। यानी वो क्या है, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन है जो फास्ट है, है ना। फास्ट होने के कारण ही आप ऑर्डर करते हो कि मेरे पास फास्ट आएगा और मैं इसको ले लूंगा, तो फास्ट होने के कारण ही आपको मिल गया। अब जोमेटो कैसे हुआ, जोमेटो खुद तो प्रोडक्शन कर नहीं रहा है, भाई प्राइमरी सेक्टर में तो है नहीं, वो कौन से सेक्टर में कहलाएगा, वो आपके कहलाएगा टर्शरी सेक्टर में। यानी टर्शरी सेक्टर के बढ़ने के रीजन क्या है, इंक्रीज द डिमांड बढ़ी है हमारे यहाँ पे, और सर्विसेज की डिमांड पड़ी है। जैसे जैसे स्कूल्स खुलेंगे, जैसे जैसे कॉलेज खुलेंगे, तो हमारा ट्रांसपोर्ट का भी डिमांड बढ़ेगा, स्कूल और कॉलेज में टीचर्स का डिमांड बढ़ेगा। तो टर्शरी सेक्टर में क्या हुआ, टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज जितनी ज्यादा लोगों को मिल रही थी और ज्यादा डिमांड आई कि हमें सर्विसेज की जरूरत है, तो इससे हमारा टर्शरी सेक्टर बढ़ा। इंक्रीज द डिमांड फॉर द बेसिक सर्विसेज, भाई ट्रांसपोर्टेशन तो बेसिक है ना, स्कूल्स, एजुकेशन ये तो बेसिक है ना, ये सारी तो सर्विसेज हमें चाहिए ही चाहिए। सेकंड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। हमने प्राइमरी को भी बढ़ाया, हमने सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है उनको बढ़ाया, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन हमारे पास सामान अवेलेबल है, हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, तो अब हम उनको कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर है उनका भी डेवलपमेंट किया। इंक्रीज इन इनकम लेवल, पहले से हम लोगों का इनकम लेवल भी बढ़ा है, भाई परचेजिंग पावर बढ़ गई है ना हमारी, हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं। अब लोगों की सैलरी भी तो ज्यादा हो गई ना, तो हमारा इंक्रीज द इनकम लेवल, हमारा इनकम लेवल भी बढ़ा है, इस वजह से भी हमारी टर्शरी सेक्टर की डिमांड्स ज्यादा बढ़ रही है। फोर्थ रीजन क्या है, इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमारा कम्युनिकेशन जो है टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हुआ है, इस वजह से भी हमारा टर्शरी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है और होना भी है, अभी और भी होना है, क्योंकि जितना जितना हमारा टर्शरी सेक्टर बढ़ेगा उतनी ही हमारी जीडीपी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि टर्शरी सेक्टर से ही हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इनकम आती है। अदर स्टेट्स, अदर जो कंट्रीज हैं हमारी, जैसे यूएसए वगैरह हैं या और भी जैसे चाइना वगैरह है, उनका जीडीपी इतना हाई क्यों जाता है, क्योंकि वहां पर टर्शरी सेक्टर ज्यादा है, वहां पर प्राइमरी इतना नहीं है, लेकिन उन्होंने सर्विसेज इतनी फास्ट कर रखी है कि वहां पर उनको जो है इनकम ज्यादा आती है, जिसकी वजह से उनका जीडीपी ज्यादा जाता है। यहाँ पे एक हम और एनालिसिस देख रहे हैं कि 73-74 में हमारा प्राइमरी सेक्टर से तो इनकम आ रहा है, लेकिन फिर भी टर्शरी से ज्यादा आ रहा है। अब 13 और 14 में भाई हमारा प्राइमरी सेक्टर डेवलप हो चुका है ना, लेकिन प्राइमरी से हमारे यहाँ पे बहुत कम आ रहा है और टर्शरी से बहुत ज्यादा आ रहा है इनकम। आप देख रहे हैं ना, जो ग्रीन कलर है वो टर्शरी है, जो सेकेंडरी है वो पिंक है, और जो ब्लू है वो प्राइमरी है। हमने देखा है कि 13 और 14 में हमारा टर्शरी सेक्टर से हमारे पास जो है ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, इस वजह से हमारी क्या है, जीडीपी भी इंक्रीज हुई है। However, not all of these services sector is growing equally because of. लेकिन टर्शरी सेक्टर में भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कि भाई सारी जो सेक्टर्स हैं, सारी चीजें हैं इक्वली ग्रो नहीं कर रही हैं, इक्वली ग्रो नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में भी कहीं पे लो पेइंग सर्विस है, कहीं पे हाई पेइंग सर्विस है। कैसे, कॉबलर, प्लम्बर, ड्राइवर, इनको हाई पे सर्विसेज नहीं मिलती है, हाई पेइंग इनको नहीं मिलती है,
इनको लो पेइंग मिलती है भाई, इनको इतने पैसे नहीं दिए जाते ना जितने पैसे इंजीनियर, बैंकर्स और डॉक्टर्स को दिए जाएंगे। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तो इनको नहीं मिलेगा ना, कि भाई सेम मिल जाए। तो टर्शियरी सेक्टर में भी इक्वली ग्रोइंग नहीं होता है, कहीं पे लो पेइंग सर्विसेज है प्रोफेशन है और कहीं पे हाई पेइंग सर्विसेज है। इसको हम बोलते हैं डिस्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है भाई, एक आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया हुआ है भाई, एक खेती है, एक फैमिली है वो खेती करती है। अब खेती में जो है छोटा सा लैंड है उनके पास, उस लैंड में खेती करने के लिए घर के 10 लोग लगे हैं, घर के 10 लोग लगे हैं, लेकिन वो लैंड का टुकड़ा इतना सा है कि उसमें अगर 2 लोग भी काम करें तो सफिशियंट है, वहां का जो प्रोडक्शन होगा, वहां पे जो भी कुछ उगाया जा रहा है वो सेम होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी अगर 2 लोग भी काम करें, लेकिन घर के सारे लोग लगे तो ये जो 8 लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अंडर, उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब उनके पास कोई जॉब ही नहीं है, उनके पास कोई काम ही नहीं है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट होते हैं कि जहां जरूरत तो 2 लोगों की है लेकिन लगे हुए घर के सारे लोग, तो वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि उनमें पोटेंशियल नहीं है, उनमें पोटेंशियल बहुत है, वो बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। अगर वो किसी और दूसरे सेक्टर में जाए, चाहे वो सेकेंडरी में जाए, चाहे वो टर्शरी में जाए, तो वो बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, बट फार्मिंग के कारण वो अपनी उसी खेत के काम में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो कहाँ है, डिस्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है, छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा। दिख रहा तो है कि भाई ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते, ठीक है कोई काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जितनी इनकम आनी चाहिए उतनी इनकम उनको नहीं मिल रही, यानी 8 लोग क्या है, डिस्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी कर रखा है फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अगर घर के लोग सारे लगे हैं और वहां पर काम सिर्फ 2 जनों का है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट आएगा, लेकिन अगर कोई काम ही नहीं है भाई, कोई जॉब ही नहीं है, तो वो आएगी अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिविजुअल हैज क्लासिफिकेशन द विल बी इज एक्टिविटी लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट बट अनेबल टू फाइंड वर्क। आपने देखा होगा कि सिटीज में कुछ एक ऐसा एरिया होता है जहां पर सारे जितने भी लेबर हैं वो सब इकट्ठी हो जाती हैं मॉर्निंग में सुबह सुबह 8 बजे, और फिर जैसे जैसे उनको काम मिलता है वो काम पे चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को काम नहीं मिलता तो वापस घर चले जाते हैं। तो यानी वो क्या हो गया, वो अनएम्प्लॉयमेंट, उनको काम ही नहीं मिला, और जिनको काम भी मिला है उनको कुछ कुछ को अच्छी पे मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती है, है ना। मैनी कॉजेस इज राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ड्रॉप इन द एग्रीगेट डिमांड एंड चेंज इन द टेक्नोलॉजी, भी टेक्नोलॉजी भी आजकल चेंज हो गई है तो लोगों को इतना ज्यादा हायर नहीं किया जाता, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे तो अनएम्प्लॉयमेंट और भी बढ़ता चला जाएगा। तो हम कैसे क्रिएट करें जिससे सब लोगों को रोजगार मिले और हमारे पूरी कंट्री में भी एक अच्छी इनकम आए जिससे हमारा जीडीपी बढ़े। इन इंडिया अबाउट 60% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29। हमारा जो 60% पॉपुलेशन है वो किससे बिलोंग करता है, 5 to 29 ईयर्स के, यानी इस एज के लोग हमारे इंडिया में ज्यादा है। आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 51 आर अटेंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी 51% जो है सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन करते हैं, the rest are not, बाकी के लोग नहीं करते। They may be at home and many of them may be working as children labor. कुछ उसमें या तो घर है और कुछ जो है चिल्ड्रन लेबर, आपने देखा ना छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, कहीं घरों में करते हैं, कहीं कैंटीन में करते हैं, कहीं पे कुछ लगा रहे हैं, कहीं पे कोई झाड़ू लगा रहा है, कुछ कहीं पे वो कैंटीनों में टेबल साफ करें, कहीं पे कुछ ऐसे लगा हुआ है। लेकिन इफ दीज चिल्ड्रन आर अटेंड टू स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स एंड मोर स्टाफ। अगर यही बच्चे हमारे अगर स्कूल ज्वाइन करने लग जाए तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई, ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग चाहिए, स्कूल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स चाहिए, टीचर होगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, और ज्यादा से ज्यादा स्टाफ चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा स्टाफ आएगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो इस तरह से हम अपने देश में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। एक नीति आयोग है जो कि ये पूरा काउंट करता है कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं और किस तरह से हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। अ स्टडी कंडक्टेड बाय द इस्ट्वाइल प्लानिंग कमीशन
प्लानिंग कमीशन एज नोन नीति आयोग एस्टिमेट द नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएट इन द एजुकेशन सेक्टर। उन्होंने एक ये देखा है एनालिस करके कि भाई 20 लाख जॉब्स तो सिर्फ हम एजुकेशन से ही बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंगें बनाए, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स खोले तो टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्टाफ को मिलेगा। एंड अलोन इफ वी आर इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, और अगर हमने अपनी हेल्थ सिचुएशन, हमने लास्ट चैप्टर डेवलपमेंट में पढ़ा था ना कि भाई किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किससे काउंट होता है, हेल्थ सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, वहां पे एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, पर कैपिटा यानी लोगों की इनकम जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम हेल्थ सिचुएशन को बेटर करें तो वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा टू वर्क इन द रूरल एरिया। यानी हमें क्या, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, नर्सेज की जरूरत पड़ेगी, हेल्थ वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इससे हमारे जो है कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना, अगर हम इन सारी चीजों को इम्प्रूव करेंगे तो इस तरह से हम अपने एम्प्लॉयमेंट को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे कंट्री में एक चला था राइट टू वर्क, यानी सबको काम मिलने का अधिकार, सबको काम मिलना चाहिए। इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द इंडिया इन इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इन 2005 में आपने देखा था मनरेगा नाम की एक जो स्कीम चली थी जिसमें हर व्यक्ति को, कोई कास्ट वास्ट नहीं थी, कोई भी व्यक्ति हो उसको काम मिलेगा। अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे सकती है, इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल बी गिवन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। यानी अगर काम नहीं दे पाए, मान लो 100 पीपल आए वहां पे और सिर्फ 90 लोगों को काम मिला, 10 को नहीं मिला, तो गवर्नमेंट उनको पैसा देगी, उस दिन का पैसा देगी। वो डेली बेसिस पे होता है। और 100 दिन कितने दिन का काम देगी, 100 डेज का काम देगी। ये कंपलसरी है कि वो देगी ही देगी, है ना। और अगर काम नहीं मिलता तो आपको क्या देगी, अलाउंस देगी। नरेगा एक्ट था वो, लेकिन जब इनको महात्मा गांधी नेशनल कर दिया तो इसको मनरेगा कर दिया था। तो फ्रेंड्स, हमने सेक्टर्स को भी डिवाइड कर दिया है, एक हमने ऑर्गेनाइज कर दिया और एक हमने अनऑर्गेनाइज कर दिया है। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कांता का और एक कमल का दिया हुआ है। कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, यानी वहां के जो रूल्स और रेगुलेशन है, वो रूल्स रेगुलेशन किसके अंडर में है, वो गवर्नमेंट से अटैच है, रजिस्टर विद द गवर्नमेंट। यानी उसको सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, उसको छुट्टियां भी मिलती हैं, उसको बोलते ना पेंशन भी मिलेगी, सब कुछ। यानी क्योंकि वो कौन से सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज में। लेकिन वहीं पे जो कमल है, कमल किसमें है, अनऑर्गेनाइज में। अनऑर्गेनाइज होने की वजह से एक तो क्या है, वो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट से, और वहां पे कोई उसको अलाउंस नहीं मिलता, कोई टीडीएस, कोई पीएफ नहीं मिलता है, और पेंशन भी नहीं मिलेगी, और जो उसको इनकम आती है यानी जो उसको पे किया जाता है वो भी बहुत लो किया जाता है, और कांता की सैलरी भी अच्छी है, उसको जो वहां पे पेमेंट मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो ये भी एक रीजन है कि जो ज्यादातर लोग हैं वो कौन से सेक्टर में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज में काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका इनकम लेवल लो होता है, उनको पे भी कम मिलता है। वी ऑल्सो फाइंड दैट majority of workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sector. ज्यादातर कौन से सेक्टर में होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ट्राइब्स जो होते हैं, एसएसटी और एसटी के जो लोग होते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज जो होती हैं, वो ज्यादातर अनऑर्गेनाइज में होती हैं। बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, दीज वर्कर्स आल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन फर्स्ट नेसेसरी फॉर द बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। भाई अगर हमने इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया तो हमारी जो है इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इकोनॉमिक के लिए भी और सोशल डेवलपमेंट के लिए, कि हम इन लोगों का सपोर्ट करें और ये ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आकर के काम कर सके, क्योंकि अनऑर्गेनाइज में काम करने की वजह से इनको पेमेंट बहुत लो होता है और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो भी बहुत ज्यादा होता है।
फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं कि हम टर्सरी सेक्टर को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें, जिससे हमारे जीडीपी बढ़े, जिससे हमारा इनकम लेवल बढ़े और देश का भी डेवलपमेंट हो। सेक्टर्स इन टर्न ऑफ ओनरशिप। अब हम कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो ओनरशिप के अकॉर्डिंग होते हैं, कैसे? पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। भाई दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक पब्लिक होता है और दूसरा प्राइवेट होता है। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। पब्लिक में कौन से आते हैं? जो सारी गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ द एसेट्स एंड डिलीवर द सर्विसेज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके हाथ में होते हैं एसेट्स भी और सर्विसेज भी, और पब्लिक में सारी गवर्नमेंट्स के हाथ में होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ये कौन सा सेक्टर है भाई? पब्लिक सेक्टर, क्योंकि ये किसके अंडर में आता है? ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है। वेयर एज कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और रिलायंस आर प्राइवेट ओन्ड। ये कौन सी कंपनियां हैं? ये प्राइवेट हैं, क्योंकि इनकी सारी सर्विसेज और इनकी सारी एसेट्स किसके हाथ में है? इनके खुद के हाथ में है, अंडर के गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। रूल्स रेगुलेशंस वेरी गुड गवर्नमेंट की तरह चलाते हो, लेकिन इनकी जो ओनरशिप है इनकी खुद के हाथ में है। और जो पब्लिक सेक्टर है उसकी ओनरशिप किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो देखा फ्रेंड्स, हमने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम देखेंगे देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर। कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करती है। क्यों? मे नॉट कंटिन्यू दियर प्रोडक्शन और बिजनेस। बिजनेस की वजह से नहीं करती कि भाई इनका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़े इसलिए हमें सपोर्ट करना है। वो सपोर्ट इसलिए करती है अनलेस गवर्नमेंट एनकरेज इट, फॉर एग्जांपल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी। भाई वो इनको एनकरेज करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा डैम बनाओ, है ना, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो। और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें जो कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को एक मिनिमम प्राइस रख लेते हैं, और फिर जो जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो उतना बेयर करती है और बाकी बेयर कौन करता है? गवर्नमेंट करती है कि भाई बाकी का जो अमाउंट होगा वो हम पे करेंगे। गवर्नमेंट एनकरेज इट फॉर एग्जाम्पल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन द इंडिया बायस वीट राइस फ्रॉम द फार्मर्स। भाई फार्मर से वीट और राइस जो है एक फेयर प्राइस पे ले लेती है। फेयर प्राइस मतलब भाई फार्मर को भी नुकसान नहीं हो, एक फेयर प्राइस भाई उसको भी अपनी मेहनत का जो है रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना, उतनी तो प्राइस मिल जाए ना जितनी उसने मेहनत की है। दिस इज द स्टोर इन द गोडाउंस एंड सेल्स एट द लोअर प्राइस। गोडाउंस में जाकर के इसको हम कैसे सेल करते हैं? लोअर प्राइस पे टू कंज्यूमर तक थ्रू राशन शॉप्स। जो जितनी भी राशन शॉप्स हैं हम उन पे, जो कंज्यूमर्स है राशन शॉप पे जो भी कंज्यूमर आते हैं हम उनको लोअर प्राइस पे दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा हाई रेट पे बाय नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ये फैसिलिटी देती है कि आप राशन शॉप से कम प्राइस में जाकर के आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। देयर इज द लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमको क्या चाहिए? सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। हाउसिंग की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, फॉर द पुअर एंड द फूड एंड न्यूट्रिशन। खाना भी चाहिए, न्यूट्रिशन वाला खाना चाहिए। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर द रीजंस ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज्ड स्पेंडिंग इन सच एरियाज। भाई ऐसे एरिया जहाँ पे पुअरेस्ट लोग हैं, जहाँ पे एरिया को अभी तक देखा ही नहीं है, वहां पर अभी कोई सर्विसेज नहीं है, ना पानी है ना बिजली है। कई एक एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ना पानी है ना बिजली है ना सड़कें हैं, तो गवर्नमेंट को क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट करना है और वहां पर अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बिजली पानी की व्यवस्थाएं करनी है, ताकि उन चीजों उन जो एरियाज को है डेवलप करके हम अपने जो है इनकम लेवल को, हम अपनी इकोनॉमी को बड़ा कर सके, बिग कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और ये जो है एग्जाम्स में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। एक बार में अच्छे से हो गया, हाँ आज एक बार में अच्छे से हो गया।